नाज़रीन प्रोग्राम लाड़काणो ब्यूरो टाइम में हाजिर आयूँ। अज अस लाड़काणे के अंदर प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल वे वाक़े खिलाफ़ JWC पारा एहतजाज करण जो जो सिलसिलो शुरू थो उनमें लाड़काणे के अंदर जो सो एहतजाज किया पे वे प्रेस क्लब के बहरा इतने सिविल सोसाइटी जहाँ दोस्त मुख्तलिफ़ मकतब फिक्र जहाँ दोस्त अदीब शायर पढ़ियल लिखल मू प्रोफेसर उस्ताद वकील सब गड थे यो आवाज़ बुलंद कर सिंध के अंदर कबीलाई दहशतगर्दी आड़ में जै तरीके से सिंध के शौर के कत्ल किया पे वे इन्हीं हवाले से जो सो ये मू आवाज़ बुलंद पा कन तो सिंध के इन तरह जो जो माहौल दिनों वो उनके खिलाफ सरापा एहतजाज बणजी कर आवाज़ उसारूँ तो हि जो जुल्म ज्यादतियों थन पी नाइंसाफी थन प्यों उन्होंने जो सो खात्मो आंदो वे सिंध के अंदर पुरमन माहौल पैदा किया वे सो इत जो JWC जो मरकजी सदर है पंजो जुल्फकार खास खिली उनकी अगवाणी में इतने जो सो हि रैली जो इनका इतना ही DIG ऑफिस तक रैली वी जैखा पे जो सो पंजो धरणो हणे वो DIG लाड़काणो के जो याददाश्त नामो भी पाँच तंजीम के तरफा पेश कर मुख्तलिफ जो मू इत मौजूद हैं जो एहतजाज में शामिल थे उन्होंने उन्होंने पुछूँ था तो इन हवाले से हि जो वाक्य पेश आया प्रोफेसर अजमल सावंत के कतल जो इन हवाले से उनको चवण है छोक साहब अज JWC पारा लाड़काणे में प्रोफेसर अजमल सावंत के कतल वे वाक्य के खिलाफ ए सिंध के अंदर जो कबीलाई तकरारन के आड़ में दहशतगर्दी थे पी उन एहतजाज किया चवंदा जी तो लाड़काणो एकड़ो ये समझो तो पढ़ियल लिखल बाशौर मानून जो शहर आते जी बी दुनिया में या बे सिंध के पासन में सरदारी निज़ाम ओतरो इन शहर के में अमल लगल है पर असल हकीकत यह है तो हि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD हो जैमें ये समझो तो सिंधी तमाम थोड़ा तो अस कबीलाई जेड़न के आड़ में जात परस्ती के नफरतों के आड़ में पैं जहानतुन के पैं अजीम तरीन मानून जा कत्ल कंदा वेंदासी तो असा के दुश्मन के असा के मारने की जरूरत ही ना अस पैं एक बे के ही मारे छींदी इन में यो थ सरदारी निज़ाम के खिलाफ़ एकड़ी चीख एकड़ी पुकार बुलंद थी सरदार की जो दीवार आको किलो आनमेंड़ो डार पैदा थो अड़ी सिंध में शौरी हलचल पैदा थी एकड़ी अड़ी मूवमेंट तहरीक पैदा थी जैसा ही सदन का वी जो फरसुदा मुदे खारिज सरदारी सिस्टम आ जैमें वो गरीब के अगते बदंदे डी गरीब जैसे अगते वे तो तरक्की करे तो उनके माराए था छन उनके रस्ते से हटाए था छन हाँ हि अज लाड़काणे में भी तमाम घना जो मू मुख्तलिफ़ तबक मुख्त मकतब फिक्र जहाँ आया इंसाफ के लाएड़ो ये समझो तो मानून के जी के झुबी अची वही मानून के रूह के चूंडड़ी पई है डॉक्टर अजमल सावंत तो इन के करे जी सुभाने कें बी माँ जो जिगर जो टुकड़ो ये न हलो वे कें बे जहा बार यतीम न थन का घरवारी जहाँ बेवा न थे उन तहरीक है सिर्फ अजमल सावंत के कातलन के गिरफ्तारी तई न पर इन फरसुदा निज़ाम के खात्मे तई जारी रही। सब का पे तो ये शहीद अजमल सावंत जो कत्ल है ये सिंध के शौर जो कत्ल है ये सिंध के तलीम तरक्की जो कत्ल है जी ही अजमल सावंत जो ही दर्दनाक वाक्य थो JWC पे डिविजनल हेडक्वार्टर में पुरमन एहजाज सदो ही अजमल सावंत के सिर्फ जी सा कत्ल की घुर में मुलविस मूँ असो सिंध में कबीलाई सरदारी भुतारको जो बदबूदार निज़ाम दुनिया की लेटेस्ट डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो दुनिया जो सिंध जो एक वाहिद PhD होल्डर हो जो यूरोप जड़े कंट्रीज में फ्रांस में उन PhD हासिल कई उतना के उन डॉलर के वठण का इनकार कदे उन तो पाँच इलाके में वही खास तौर से कंदकोट में जिथे तुम टो ढी गड हलो तो उत वाना वजीरस्तान तो लगे तो उत इल्म की का रोशनी नजर नी अचे उत जहालत जो कानून आ ही जो भोतार ही सरदार उनके रियासत की सपोर्ट आ ही जो सरदार इनके हुकूमत की सपोर्ट आ असा समझूं था तो इन सरदारी भोतार के निज़ाम खिलाफ JWC पंजो भरपूर किरदार अदा कंदी असा डिविजनल हेडक्वार्टर में एहतजाज करण का 4 मई से असा कराची वनूँ था उते असा सजी दुनिया के ह्यूमन राइट्स जेके तंजीमू आन जेकी इंटरनेशनल मीडिया है उन्हें बुधायण घुरूँ था तो ही जो सिंध में बदबूदार भोतार को सरदार को निज़ाम है ये सिंध के शऊर जो कत्ल है ये सिंध के तलीम तरक्के जो कत्ल है उनके करे जेस ताई ही फरसूदा निज़ाम खत्म न थींदो JWC हमेशा पंजो
पान मल्हायो है शहीद नाज़िम चौखे जो वाक्य हुए या बया हुजन उनके असा जिदोजहद कई है अज जो जे डब्ल्यू सी के तरफा प्रोफेसर शहीद अजमल सावन के कत्ल के खिलाफ ये एहतजाज किया अस उनमें शरीक थे पाँ फर्ज समझी छो तो असं समझू था तो प्रोफेसर अजमल शहीद जो कत्ल रुगो एक इनफरादी शख्स जो कत्ल न पर सिंध के शऊर जो कत्ल आ सिंध के तलीम इल्म जो कत्ल आ सिंध जो कत्ल आ इन जितनी भी मुजम्मत कज वह घट है असी समझ इन जो जिम्मेवार मौजूदा हुकूमत समझू छो तो पीपल पार्टी की हुकूमत तमाम करप्ट नाअल आ सिंध की दुश्मन आणी वाणी अड़ा वाक्य कराइन था पाया तो सिंध इन के सवे साल पे ढिकी वही है कबीलाई तहसुब के करे यो खबर ना अंजाम केस तीन पहुंच उन शौरवंद मूँ जो भी आयु सियासी तंजीमों जहाँ मूँ अचो तो सभी गजी इन जे खिलाफ आवाज़ बुलंद क्यों तो जी यो नासूर सिंध में खत्म थे मां समझा तो ये सोशल साजिश है सिंध के माओ के खिलाफ सिंधी आवाम के खिलाफ ए सिंधी माओ के खिलाफ तो उन्होंने जो धाड़न में फुरन में अगवान में जो अड़न कत्ल में जे सरदारी बुनियाद से जागीरदार बुनियादी सोच है जे ही जे सरदार वे नामनियाद मूँ पैदा था कन फिर अगवा धड़ा था करन सिंध जो यो कल्चर रो ही ना है पर ये इन जहाँ पेरा खणबा तो पार्लियामेंट हाउस तीन वा उन एम एन एम पी ए सरदार जो सो कॉल्ड सरदार आशीर्वाद से जो कम थी रो है हि जात बिरादरी हि जो मामला मसला नंढा नंढा पैकेज ठा दिना वह नंढी नंढी हुकूमतू रियासतूँ ठा दिन हर स्टेट है स्टेट के अंदर स्टेट है नॉन स्टेट एक्टर्स उसे जो सिंध के शौर से सोचल समझल साजिश तहत मानू ए मानू तो कत्ल था कन जैसा सिंध के लाश पवे डॉक्टर अजमल सावंत पीएचडी होल्डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रांस छे आयो उन टी हज़ार कलाक जहाँ मिलता हुआ पर उन मे सिंधी मानून के पढ़ाई वाले सिंधी मानून के शऊर दूँ सिंधी मानून के अगत आणू सिंध पोते रहा सिंध के पोते धिको पे वे मां समझा तो इनमें हुकूमती धुर जख्यू नी पटे तो यहाँ बेनसाफी चेबी उतना हुकूमत की का रिट कोने का तुम दिखो तो पुलिस मरी रही है बया मू मरी रहा आम मू अगवा रहा अकिल ती मू अगवा रहा अकिल ती छोक के जो जबरदस्ती सो कॉल्ड मजहबी मू कन्वर्ट कराइन था ये सब जो साजिशूँ सिंध के धकने की कोशिश है ये जो अमल है वो निंदा जोग ना बल्कि इनके मुकमल खत्म किया वे फुल फोर ऑपरेशन किया वे पुलिस के जदीद हथियार दिन जैसा पुलिस मरंद पुलिस मरी रही है तो सिंध हुकूमत के अखियो पटन खपन ऑपरेशन करें ए सिंधी मानों के तहफुज दियो सिंधी मानू निढ़का थी मरी रहा है जो को भी वाली वार ना है यो डॉक्टर अजमल सावंत जो कत्ल ना है पर ही पूरी सिंध की इंसानियत जो कत्ल आ पूरी सिंध की शऊर जो कत्ल आ जेके पंजे जीण के लिए पंजे जा पंजा जेके हट थन उनन के हलाने के लिए ये जो इंसान जो कत्ल था कराइन इनन ते सख्त का सख्त कदम खयो वने मां रियासती इदारन के खासकर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के या गुजारिश कंदुम अजो के एहतजाजी तसलसल के हवाले से तो मेहरबानी करे ये जेके भी जरगाई सरदार जेके भी जेड़ा था कराइन जेके भी सिंध में आम मानून के कत्ल था कराइन इन सभी के गिरफ्तार किया वे इन कानून के कटने में वे अज जो हि जे डब्ल्यू सी के सद से लाड़काने में जो एहतजाज थो कुछ वक्त अग में कबायली झगड़न के उन लानत के नतीजे में सिंध जो एक शऊर प्रोफेसर अजमल सावंत कत्ल थो यो इंतहाई काबिल मजम्मत अमल आ जमियत उलमा इस्लाम उन वक्त भी इन जी शदीद लफ्जन में मजम्मत कई ही हिंर भी लेकिन अज जो जो एहतजाज आ उन जो मकसद यो है तो अड़न वाकयात जे कारण हैं जे असबाब हैं जैसी तई उन सदेबाब नथो कयो वने तेसी तई रोजानो अड़े किस्म जा केतरा ही अजमल सावंत कत्ल थींदा रहंदा सिंध में जी कबेलाई असावट जो कॉन्सेप्ट आ उन कॉन्सेप्ट के जड़ का खत्म करने की जरूरत है पर मां अफसोस से चवां तो अड़े किस्म के कबेलाई झगड़न के कबेलाई झगड़न की सरवाणी कदड़ सरदार के सियासतदान के सूरत में एक पॉलिटिकल शेल्टर भी आ हुकूमती आशीर्वाद भी आ जी कबेलाई जेड़ा कंदड़ मानू जी वे बगेड़ इंसानियत जो कत्ल कंदड़ मानू सरदारन नवाबन जागीरदारन जे शेर शेल्टर का सवाए अड़े किस्म की कार्रवाई नथा करे सकन लिहाजा इतने जरूरत है तो सिंधु जा जेके चार जिला जैमें टॉप ते कश्मीर कंदकोट घोटकी शिकारपुर खैरपुर के कच्चेवारो इलाको भी जो है उनमें बेरहम किस्म की ज़रब अज़ब के टाइप या रदुल फसाद के टाइप अड़े किस्म की ऑपरेशन कई वे ये कारण जाचा वन तो आखिर इन मानून के एडा खतरनाक किस्म जहा हथियार हैंड ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर
वो भारी किस्म जो असल आखिर यो केर तो मुयसर करे आखिर में ही भी गाल चाहुंदुस जी पुलिस जो जवान जेके इन ऑपरेशन में शहीद थाया उनके खराज तहसीन भी पेश करें तो लेकिन मां ही भी चवान तो पुलिस के जवान के कत्ल में या जी उत कच्चे के इलाक में उन नोगो एरियाज में जेके दोहारी किस्म जहाँ मू दहशतगर्द किस्म जहाँ मू धाड़ियल किस्म जहाँ मू किडनेपर अगवाकार जेके रहन था उन सहूलत कार्य में पुलिस जो भी बराबर जो किरदार आड़न कारन रिडुन के पुलिस में कढ़ी उनके इबरतनाक सजा दिनी वे छो तो सिंध के अमन जहाँ भी दुश्मन पैंजे पट्टे भाई पुलिस वारन जहाँ भी दुश्मन उनके कत्ल में बराबर जहाँ शरीक हैं लिहाजा पुलिस में कारन रिडुन जो खात्मो आंदो वे कबेलाई कॉन्सेप्ट के खत्म किया वे जरब अजब ए रदुल फसाद के तरीके जड़ी ऑपरेशन कई वे तो जी सिंध परगणी एक दफो बीहर अमन जो दरअसल ही निज़ाम हाने जो ना है यो मुगलन के दौर का वे वो एस्टेब्लिश थो अंग्रेजन के दौर में अंग्रेजन सजे हिंदुस्तान में जागीरदार निज़ाम के वधिक पैदार कियो सिंध में अना खतरनाक सूरत अख्तियार कई पाकिस्तान ठहण का एतरे तई जो मुस्लिम लीग के भी अगराज मकसद में यो तो जागीरदारी सरमायदारी कबाली निज़ाम अंग्रेजन से मुंसलिक हो गो वो खत्म थे लाजमी हो वो ओला पाकिस्तान में तो खत्म थो पंजाब के इलाक में खत्म थो हिंदुस्तान में उनके खत्म कर सिंध में यो निज़ाम जमीन के चौधारी फिरेगरे तो पैंजो स्ट्रक्चर ठाए तो पॉलिटिक्स करे तो जमहूरी कदरन के पामाल करो एक दोहारी ढांचो ठाए तो जैसी तीन यो तबका थी कबायली ऊंच नीच जो जमीन के अंदर जो वही जागीरदारी है यह टुटंदी न जैस तीन उनका हेठ मकामी एजेंट धाड़ेलन के रूप में नसलन के रूप में उन्होंने गड रहा है पुलिस उन्होंने पटे वाले जो किरदार था कहती अड़ा असा जहाँ अजमल सावन जड़ा दोस्त कतुल रहा इन सजे निज़ाम के तब्दील करनी जरूरत है सिविल सोसाइटी जो फर्ज आ तो मुख्य सवाल के एड्रेस कन तीन जहालत में जान छे असाजे सिंध जहाँ पढ़िया लिखा मानू अज प्रोफेसर अजमल सावन साहब के शहीद किया एतरा असा केतरा ही दोस्त शहीद किया पर मुख्य अफसोस यो है जो पंजन दिन के अंदर इंतजामिया के तब्दील किया कातिल काटे वह केर गिरफ्तार कह असो मुतालबो यो है जस्कम के पारा भी यो मुतालबो है तो कें भी सूरत में शहीद जहाँ कातिल गिरफ्तार कर शहीद जहाँ कातिल गिरफ्तार कर अड़ी सजा दो जी उन इबरतनाक जो इन सो सबक सीखन असो यो मुतालबो है इनशाला इन कातिल के गिरफ्तारी तीन असि जिदोजहद जारी रही अस इन सभी दोस्त गुन जो सरदारी कबायली निज़ाम है इन सिंध के तबाह बर्बाद कर छो है वो ढी खाली ना है को वेड़ो न उजड़ो हो कतुल नो हो न्याणी न मारजी हो कल कुछ ढी अग में सिंध के शूर एक पीएचडी होल्डर उस्ताद आलम के अड़ी बेदर्दी से शहीद किया जी कें जानवर के भी को मारबो है यो सजो जो नतीजो है वो इन निज़ाम जो है जै अजमल डॉक्टर अजमल सावंत जड़े एक आलम के जो सो पो शहीद किया है उनके जो पोयर आन उ सख्त गणती में आन यो न तो पुजे सरकार का तो एकड़ो तो जुल्म थी चुको है पर बो जुल्म यो है तो उन जा जके कातुल आन उ आजाद घुमन पाया था अज हफ्ते का वधिक डी थी वन पर उ कातुल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सके अच्छा उनके जमीन की वही उनके आसमान खाई हो गाड़े व्या उ कातुल उन्हीं मान पनाह वे वेठा वो ही मू उन राह वेठा वो ही उन सरदार वेठा जन अजमल डॉक्टर अजमल सावंत वो प्रोफेसर अजमल सावंत जो कतल न एक शौर जो कतल इंसानियत जो कतल प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर अजमल सावंत एक वो मानू हो जो गरीब मिस्किन मान के एक शौर दियण पे चाहे वो यो शौर तो सरदारी निज़ाम जागीरदारी निज़ाम वडरको निज़ाम के खत्म कर इन के इन कर शहीद किया को भी जवाब ना है। प्रोफेसर अजमल सावंत जो कत्ल मां समझा तो सिंध के शौर जो कत्ल सजे सिनेरियो के पोया सिंध सरकार जेका सिंध के अंदर कबाइलाई निज़ाम की आबकारी कर रही है उनके सपोर्ट कर रही है असं समझूं था उनके पोयों सिंध सरकार उनका कारनदान जी नी चाहे तो सिंध के अंदर कोई शऊर मुनज़िम थे
वो कबीला ही जेके नवाब सरदार जेके नोगो एरिया बनाई बैठा सीधी तरह अणसिधी तरह मुल्क जहाँ रियासती अदारा पीपल्स पार्टी की सरकार उनमें मुलविस अस घुर करूं तो सिंध के शऊर को कत्ल सिंध के शऊर को कत्ल बंद कर वे अस वक्त तीन केतरा जो प्रोफेसर जहाँ डॉक्टर जहाँ लाश पे कुलन से खड़ा असं चौदा सिलसिलो हाँ बंद थे घुर्जे तमाम सुठी गाल सिंध जो शऊर जो है अजमल सावंत के कत्ल के खिलाफ बाहर रोडन से निकरी आयो अस समझूं तो हि सिलसिलो बंद नो असो एतजाज जो अजमल सावंत के कतल के गिरफ्तारी तीन जारी रो नाजिम जोके गावीदे फेमीदा सियाल तीन जे भी कत्ल उ सिंध के कतल पार्लियामेंट में मौजूद हैं असं समझू था तो शहीद अजमल सावंत जो कत्ल जो है सिंध के शौर जो कत्ल है वह जो कतल वह सिंध असेंबली में मौजूद हैं पीपुल्स पार्टी सरकार उनके प्रोटेक्शन कर रही है पर हाँ सिंध बदल चुकी है सिंध जहाँ मानू कराची का कश्मीर कींजर का कारूंजर तीन जो धप कर वह सरदारी ए कबीला जागीरदारी निज़ाम आ जैसे जागीरदार चवन था असाज एरियाज में असि इजाजत का बिना कख पन भी को चुरे उन पुछाणो करण घुर्जे तो तेजे एरिया में वो प्रोफेसर स्कॉलर कतुल थो सिंध जो उनका कतिल किथे यकीन कतिलन जो पेरा ये मकामी जो वडेरा जागीरदार एम एन एम पी ए उन्होंने वन सिंध सरकार का हाँ सोच घुर्जे या तो लखें करोड़े मजलूम मूल पढ़ल लिखल बाशौर मू या उन्होंने मालिकी करे या चंद सौ जो वडेर की मालिकी मुसलसल करे या उन्होंने मालिकी करे हि जी चिणग थी आई वही बगावत की सूरत अख्तियार कदी हाँ मानू सरदार वडेर जागीरदार की रस्ता रुक शुरू कई है इन गेल रोडन रस्तन से इन पुछाणो कदा तो असाजे बादशौर मानून जो असाजे न्याणन जो जो सिंध में कबीला तकरार के नारे इज्तमाही कतुल थन था इन कतल जो कतिल आ पुछाणो आ ये तहाँ का ही रहमान रहीम असि अज इतने गड थे डॉक्टर सावंत डॉक्टर अजमल साहब के उन बेआजबी थी उनके कत्ल कर वो आ बेहसी आ गवर्नमेंट की इदार की असं यो पुरजोर मुतालबो था क्यों डॉक्टर साहब के कतल के फौरन गिरफ्तार करें कैफे किरदार से पहुँचा वे यो असो इन हवाले से असो एतजाज आ असी तेस तीन पूरी सिंध के अंदर यो आवाज़ उथारी रहा जेस तीन उनके कतल के गिरफ्तार नो कर वे उन्होंने सख्त का सख्त सजा नी दिनी वे बरबर अफसोसनाक वाक्य समझा तो असो शऊर जो कतुल थो इन जी मुजम्मत करण घुर्जे वह घट आ समझा तो तालीम की कमी के कर इंसाफ की फरहमी न होजन के अड़ा वाक्य थन था जैसे कर जो फर्ज आ जे भी सिविल सोसाइटी जहाँ मानू आन तो इन शोकथाम वध में अमली कदम खण घुर्जे समझा तो जेस तीन इतने इंसाफ न मिल तो अड़े किस्म जहाँ वाक्य रहा छो जो इतने सजो धारेलको सिस्टम जो वो वडेर की सरपरस्ती में हले तो पो जेस तीन उनके बुझो नही सख्त एक्शन न खो वो छो तुम सिंध में अंदर नयू नंढी नंढी स्टेट ठहल काते धारेल की स्टेट ठहल आ काते वडेर की स्टेट ठहल आ इन विच में गरीब आवाम कुचलजे तो पो सो इन लिए अमली कदम खण घुर्जे सख्त किस्म की कानून साजी थे घुर्जे अमल के रोक जी हि डॉक्टर अजमल सावंत जो अस सिंध जो शऊर तमाम बेहतरीन पढ़ियल लिखल नौजवान एन की जो डिग्री हुई आर्टिफिशियल पी एच डी जी थल उको बुध आ तो मुझे एडो दिल ही डुको आ तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ चार असि पूरी सिंध में सिर्फ वायद एकड़ो यो ही डॉक्टर अजमल सावंत हुए जो इन दहशतगर्द जालमन इंसानन असो एडो सिंध शऊर एडो बेदर्दी से कत्ल जैसे बारह गोलियो हुई बगैर एक बेगुनाह इंसान मासूम इंसान सो उन ही जेतरी मजम्मत कज वह घट है अस मजामत भी कंदे जो अज तसो था ही प्रेस क्लब के तरफा असो उन्होंने तरफा प्रेस क्लब लाड़काने तरफा ही जो एतजाज आ इनमें पूरी सिविल सोसाइटी सब पढ़ियल लिखल मू वकील डॉक्टर इंजीनियर ए सिंध शऊर इतने गड आ ए अस यो सजी सिंध के भी अपील कंदे तो इन बाह के इन जो असो जोश आ जो असो इन कतई भी घट न दियन जेस तीन डॉक्टर अजमल सावंत जहाँ कतल गिरफ्तार ना थन असि तो यहाँ घुरा उन सरेआम जो बारह मुल्क में आ सरेआम माना एक कें चौराहे से उन्होंने सजा फांसी दिनी वे ताकि कदें भी वरी अड़ी सिंध के शऊर से या हथ चुरान न थे उन्होंने एडो बेदर्दी से कतल न किया वे सो इन जी मजम्मत कजें तो घट आ असो शऊर असा खसे वह असो वो सदन तो यो भरपाई नी सी डॉक्टर असो अजमल सावंत साहब जो पाकिस्तान में चौथों नंबर पी एच डी
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करे आयो हो माना करोड़न मानुन में यो हिकड़ो फर्द हो जेको एडो आला तालीम याफ्ता हो उन जो जेको कत्ल है उन जा सिद्धा सवा पेरा जेके इन आबिद सुंदरानी जेको एमपीए आहे पीपल्स पार्टी जो ओडो वजन था पया ही जेको भी ही कबायली जद दहशतगर्दी आहे उन के उन जे पोया हुकूमती पीपल्स पार्टी जो बिल्कुल हथ आहे आशीर्वाद आहे हिन वक्त ताईं 15 ॾींहं आहे उन जा कातिल गिरफ़्तार न थिया आहिनि ऐं को बि MNA MPA जेको आहे उन जे तॾे ते न विया आहिनि इन मां साफ़ ज़ाहिर आहे त इन्हनि खे इन कतल में पीपुल्स पार्टी जो मुकमिल हथ आहे ऐं हिन वक़्तु सिंध में बदमनी आहे गुंडा राज आहे ऐं चरबट राजा वारो निज़ाम आहे असां उनजी मज़म्मत था कयूं जेकॾहिं इहे सावंत साहब जो अजमल जो जा कातिल गिरफ़्तार न कया हुआ त असां कौम परस्तनि जा उन्हनि MPA MNA ऐं भोतारनि जे किचन में हथ हूंदा। अजमल सावंत जो कतल असां सम्झूं था त हिकिड़े वॾेरा शाही ऐं रियासती नाकामी आहे। हीअ हुकूमत चाहे ई कोन थी त सिंध में शऊर अचे। अजमल सावंत हाणे ताज़ो कतल आहे पर उन खां अॻु में असां ॾिसंदासीं त असांजे मथां ज़ुल्म बर्बरियत ऐं हर शइ जा हिकिड़ा पहाड़ किराए विया आहिनि। असां सम्झूं था त माना रियासत खां वॾेरो ज़ोर आहे पुलिस खे जेको आहे त अहिड़ा हथियार कोन्हनि जेके माना दहशतगर्दनि धाड़ेलनि खे हथियार आहिनि जो उन्हनि जा बख़्तर बंद गाॾियूं नाकाम करे ऐं पुलिस जा केतिरा जवान मारिया था वञनि ऐं जेको सिंध में उभरी हले थो पियो उनखे हथ सां माना सोचल सम्झी साज़िश तहत उनखे मारायो थो वञे पियो। छा असां पढ़ी क़ाबिल न थियूं पंहिंजे माण्हुनि जा भरजला न थियूं? माना अजमल सावंत इहो ॾोहो कयो जो उहो ॿाहिरें मुल्क तो पढ़ी अची पांजे मुल्क में पांजे वतन में सिंध में पांजे मानुन में शऊर आन पे चाहे छा यो सिंधी मानुन जे लाए एकड़ो डो आए यो गुनाह आए असा जो त जेको उभरी अचे उनके ता मारायो हथ सा ऐं अज ताई सजी सिंध सराप आ इत्तेजाज आए कराची का कश्मीर ताई हर एक सियासी तंजीम हो जे समाजी तंजीम हो जे या साफ दोस्त हो जन उए सराप आ इत्तेजाज आन पर उए वडेरा जन हथ सा अजमल सावंत के मारायो आए उए गिरफ्तार न थी उन जे दरवाजे ताईं जेको आहे त असांजी सरकारी मशीनरी न पहुची सघी आहे। असां एतिरा बेवस आहियूं बाबा, असां एतिरा बेवस न आहियूं। असांखे हथ सां जेको आहे त मारायो थो वञे पोइ हिते भित सां लॻायो थो वञे। एतिरा केतिरा ई जेको आहे त कतुल आहिनि जेके सिंध जा थिया आहिनि, असां मुतालबो था कयूं। कतुल जेको आहे सो पूरे सिंध जी सोच जो कतुल आहे ऐं बेगुनाह उनखे कबायली झेड़े जे वर्ग चाढ़े करे उनखे शहीद कयो वियो आहे जेको सदा सरासर ज़ुल्म ऐं ज़्यादती आहे। जंहिंजी एॾी क़ाबिलियत हुजे जो ॿाहिरें ममालिक जे यूनिवर्सिटियूं उनखे वॾा वॾा एज़ाज़ ॾियनि ऐं उन्हनि एज़ाज़नि खे हू छॾे करे असांजे हिन सिंध जे अवाम जे ख़िदमत जे लाइ त जंहिंमां अवाम पंहिंजे सिंध जी जेकी आहे उन्हनि खे तालीम जी रोशनीअ सां उजागर कयां ऐं उहे जेके दरंदा आहिनि वॾेरा ज़ालिम जेके हमेशा पंहिंजे पेट जे लाइ ऐं पंहिंजे ओताकुनि खे आबाद करण जे लाइ अहिड़ा ज़ुल्म करे रहिया आहिनि ऐं असां ख़ुसूसन आला हुकाम खां ऐं सुप्रीम कोर्ट खां ऐं IG सिंध खां DIG खां मुतालबो था कयूं त हिन वक़्त ताईं तव्हां हुन जा कातिल न गिरफ़्तार कया आहिनि। महिरबानी करे जहिड़े तरीक़े सां पंजाब हुकूमत में आर्डर ॾिनो वियो आहे त इन्हनि धाड़ेलनि इन्हनि वॾेरनि जे ख़िलाफ़ु फ़ौजी ऑपरेशन कयो वञे, इन्हनि जे ख़िलाफ़ बि फ़ौजी ऑपरेशन कयो वञे। सर, असल में हे अजमल सावंत जो कतल न आहे, इहो सिंध जे शऊर जो कतल आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त 1971 खां वठी सदाई सिंध जे शऊर जो सरेआम कतल कयो थो वञे। ऐं मां इहो थो सम्झां त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जेके इदारा आहिनि असांजा उहे नथा चाहिनि त को सिंध में अमुन थिए। रोज़ हाणे जेको आहे सो सिंध जी हालात ख़राबु लॻा पिया आहिनि, लॉ एंड आर्डर सिचुएशन तमामु ख़राबु लॻी पई आहे। इदारा असांजा जेके आहिनि उहे किथे आहिनि? उहे इदारा कोन था चाहिनि त असां सिंध में इहा कयूं ऐं सिंध जो शऊर अॻिते निकिरी अचे। ऐं हुकुमराननि ॾिसो त हुकुमरान बि हिन महिल सिंध में धरती तंग लॻी पई आहे, उहो पंहिंजी इलेक्शननि जे चकर में लॻा पिया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट जेको वॾो इदारो आहे मुल्क जो, उहे सूओ मोटो हिते वठण लाइ को बि न आहे। बाक़ी सूओ मोटो उते था वठनि जिते इलेक्शन नथी थिए। इमरान ख़ान लाइ सूओ मोटो आहे, ॿियनि लाइ सूओ मोटो आहे। बाक़ी हिकिड़ो अजमल सावंत जेको सिंध जो शऊर क़तल थियो आहे उन लाइ को सूओ मोटो न आहे। उहो पाण में ई रुगो इलेक्शन करायूं न करायूं इन चकर में लॻा पिया आहिनि। मुल्क में मोतमार महांगाई लॻी पई आहे जंहिंजे करे अञा वधीक जेको आहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तमामु ख़राबु लॻी पई आहे। असां इहो त चऊं त उनखे बहितर करणु खपे ऐं सिक्योरिटी जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे इन में इन्वॉल्वमेंट करणु खपे त जीअं असांजे सिंध में अमुन थी सघे। ख़ासि करे पीढ़ियल तबिका असांजा
हारी ऐं मज़दूर इहो ई सबबु हो जो हुन फारेन जी नौकरी ठुकराए करे अचे सिंध खे पंहिंजी राइश बणायो। अजमल सोच खे हिकु सावंत खे हिकु सोच मारियो आहे, उहा सोच जेका सिंध खे ग़ुलामीअ जे ज़ंजीरनि में जकड़े रखणु चाहे थी पई, उहा सोच आहे वॾेरकी निज़ाम जी, सरदारी निज़ाम जी ऐं ॿियूं जेके बि ग़लाज़तूं आहिनि सिंध में, उन्हनि सभिनी मिली करे गॾिजी करे अजमल सावंत खे क़तलु कयो आहे, बल्कि शहीद कयो आहे। असां इन क़तल जी शदीद मज़म्मत था कयूं ऐं अजमल सावंत हिकिड़ो अजमल सावंत कोन्हे, इहा हिकु सोच आहे, हिकु मेंटेलिटी आहे। केतिरा अजमल सावंत ई मारींदा, हीउ हिकु अजमल सावंत कोन्हे को, इन जे जाइ ते हज़ारे अजमल सावंत पैदा थींदा जेके सिंध में शौर जा ॾीआ ऐं लाटू ॿारींदियूं। ऐं असांखे यकीन आहे त अजमल सावंत जो खून जेको आहे उहो रायगार न वेंदो। हुन शाइर चवाणी त मुंहिंजे रत जूं फेंगू आख़िर तुंहिंजे मुंहं ते थींदियूं ज़ाहिर, तुंहिंजो घाट बिला रहंदियूं। मां सम्झां थो त असांजो तालीमी निज़ाम जेको आहे, तालीम खे असां जेतिरो अॻिते वधाईंदासीं, जेतिरो असां तालीम खे पुख़्तो कंदासीं, जेतिरो माण्हुनि खे बाशऊर कंदासीं, ओतिरो ई निज़ाम नीस्त ऐं नाबूद थींदो वेंदो। ऐं पहिरियों ॾको इहो आहे त तालीम तालीम सिंध खे तालीम ई जीआरे सघे थी, जंहिंजे लाइ ॿियो सिंध जो कलमकार। हाणे वक़्तु आहे त सभु लाॻापल आहे सिंध जो कलमकार, सिंध सां थींदड़ ज़ुल्मनि जे ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ियुनि जे ख़िलाफ़। केतिरा अजमल सावंत असांजा मारबा वेंदा, उन्हनि जे ख़िलाफ़ कलम धणी जेको आहे उहो मैदान में अचे ऐं सभु तरफ़ी जॾहिं सभु तरफ़ी असीं कलम जी जंग विढ़ंदासीं त असांजा अजमल सावंत ईअं बेदर्दी। अजमल सावंत जो क़तलु हिकु रियासती दहशतगर्दी आहे जेका सरदारी निज़ाम जे करे ख़िलाफ़ु थी आहे। उहो हिकु शौरवंद माण्हू हो जेको पंहिंजे माना इलाइक़े में कंदकोट कश्मीर जे इलाइक़े में शौर आणणु पियो चाहे, ऐं हुन शौर खे क़तलु करण लाइ हिननि वॾेरनि सरदारनि न चाहियो त इहो माण्हू हिते असां वटि हुजे, उन करे हुन हिनखे क़तलु करायो आहे। इन जा ज़िमेवार जेको सरदार आहिनि ऐं हुकूमत जी रियासत आहिनि जेके न पिया चाहिनि त जेको आहे सो हिते शौर उथे, शौर उथंदो त उतां वारा माण्हू तरक़ी कंदा, तरक़ी कंदा त सरदारी निज़ाम ख़तमु थींदो, उन करे उनखे क़तलु कयो वियो आहे। साईं, मां इहो थो सम्झां त डॉक्टर अजमल सावंत जे क़तल जी जेका ज़िमेवारी आहे हिन सिस्टम जी ज़िमेवारी आहे ऐं सरदारी निज़ाम जेको आहे इन जी ज़िमेवार आहे ऐं उन सां गॾु असांजी जेका ही इंतिज़ामिया आहे, करप्ट इंतिज़ामिया, उहा इन जी ज़िमेवार आहे। हेतिरा ॾींहं थी विया आहिनि असांजो नामवर प्रोफेसर क़तलु कयो वियो आहे, हेतिरनि ॾींहंनि खां जेका आहे इंतिज़ामिया छा थी करे, इंतिज़ामिया कंहिं ग़रीब मिसकिन रोज़ ॿधा था वञनि पिया, पर हिकिड़ो वॾो नामवर असांजो प्रोफेसर जेको फ्रांस मां PhD करे आयो आहे उनखे इहे बेदर्दी सां क़तलु कयो वियो आहे। असां सिंधी माण्हू एतिरा निंढणका थी विया आहियूं जो असांजा उस्ताद मारिया था वञनि, असांजा बाशऊर, असांजा रहबर मारिया था वञनि। उस्ताद रहबर रहबरी वारो किरदारु अदा कंदो आहे। असां भरपूर अंदाज़ में हिनजी मज़म्मत कयूं था। इलाकाण जे अंदरि जेके ई बाशऊर माण्हू गॾु थिया आहिनि, असां इहो मुतालबो कयूं था जल्द अज जल्द हिन जे कातलनि खे गिरफ़्तार करे कंहिं वरी किरदार ताईं पहुचायो वञे। सिंध कॾहिं बि जेका आहे ख़ामोश न रहंदी अजमल सावंत जे क़तल जे ख़िलाफ़। डॉक्टर अजमल सावंत जो जेको क़तलु आहे, मां चवां थो सिंधी क़ौम जे नंढे बचे खां वठी पोढ़े ताईं इहो क़तलु आहे। वॾी नाइंसाफ़ी आहे जो हिकिड़ो असांजो नौजवान जेको ॿाहिरि मुल्क मां पढ़ी आयो ऐं सिंधी क़ौम लाइ हुन फ़ैसिलो कयो त मां सिंधी क़ौम खे पढ़ाईंदुमि, सिंधी क़ौम खे ॼाण ॾींदुमि ऐं सिंधी क़ौम खे अॻिते वठी वेंदुमि। पर हिकिड़े क़िस्म जा कबीलाई तकरार आहिनि जो सिंधी क़ौम जे शऊर खे क़तलु कयो थो वञे। मां सम्झा थो त हिन क़तल में रुॻो जेको आहे सो इहे गुंडा इनवॉल्व न आहिनि, इन्हनि जे पोयां बि हिकिड़ी कहाणी आहे। उहे असांजा सरदार आहिनि, उहे असांजा सियासी माण्हू जेके हुते रहनि था ऐं अहिड़े क़िस्म जी एप्रोच सालनि खां वधीक पैदा कई वई आहे। लेकिन डॉक्टर जो जेको क़तलु आहे इन सिंध जे हर माण्हू खे झूणे विधा आहिनि। हू हर मामले में इन्हनि गुंडनि सां दहशतगर्दनि सां गॾु आहिनि। जॾहिं हाणे इहे मैटर आयो आहे त उन्हनि जो सरदार भॼी हलियो वियो आहे मुल्क मां, छो नथा पंहिंजे माण्हुनि खे रोकिनि, छो नथा उन्हनि खे गिरफ़्तार कराइनि, छो नथा उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आणनि। त इहा सही सीधी दहशतगर्दी आहे ऐं इन में इन्हनि सरदारनि जो हथु आहे ऐं उहे ई चाहिनि था त सिंध में अहिड़ो शऊर न हुजे, सिंधी माण्हू मथे न वधनि ऐं इहे ग़ुलाम हुजनि। त इनशाला इहे ग़ुलामी जा तोक ख़तमु आहिनि। सावंत अजमल ज़िंदा हा ज़िंदा रहंदो, इनशाला हुन जी मशीन खे
असा सब मानू खणी हलन हे पूरे सिंध जो पूरे मुल्क जो कतल पूरी दुनिया जो असा जो बादशाह मानू ये मानू जे केन से अनमोल औ हीरा हुंदा हन जेके एड़ी सोच रखंदड़ मानू जेके वेचो तो मां पांजे पाकिस्तानन के पांजे मानन के वनी पांजे बचड़न के पढ़ाई तो वनी एड़े ख्वाब सी आयो हते अचण सई हुन जो कतलेआम थियो सो उन लाइ असांखे पुरज़ोर अपील आहे त इन जा कातिल जेको आहे सो गिरफ़्तार कयो ऐं उनखे पंहिंजे मंज़िल ते पुॼायो। दादी लाड़काणे में JWC पारां प्रोफेसर अजमल सावंत जे कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ एहतजाज कयो वियो ऐं हिते मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जा माण्हू जेको आहे एहतजाज में शरीक थिया, मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि जा माण्हू जेको आहे शरीक थिया ऐं सभिनी जेको आहे सो बुलंद तरीक़े सां इहो आवाज़ जेको आहे उथारियो त प्रोफेसर अजमल सावंत जेको आहे सिंध जो शहूर हो जंहिंजो क़तलु कयो वियो आहे उनजे कातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे, गॾो गॾु सिंध जे अंदरि जेको कबीलाई दहशतगर्दी थिए पई उनजो ख़ात्मो हूंदो वञे ऐं इन हवाले सां जेके प्रोफेसर अजमल सावंत जा वारिस आहिनि उन्हनि जेको मुतालबो कयो आहे त जेको आहे सो उन्हनि जे हिन वाक़े जे ख़िलाफ़ु जुडिशल इंक्वायरी क़ाइमु कई वञे ऐं हाई कोर्ट जो जज जेको आहे उनजे लाइ मुक़ररु कयो वञे। उनजी उन मुतालबे जी बि हिननि दोस्तनि जेको आहे सो तोसी कई आहे, उन मुतालबे जी हिमायत कई आहे त इन तरह सां जेको आहे सो हुकूमत एफर्ट करे ऐं हिन मामले जी जुडिशल इंक्वायरी कराई वञे। सो ही मुख़्तलिफ़ जेके माण्हू आहे उन्हनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी, तमामु बाशौर माण्हुनि इहो आवाज़ु बुलंद कयो आहे त हिन ज़ालमाना निज़ाम जो ख़ात्मो थो वञे ऐं सिंध जे अंदरि पुरमन माहौल पैदा कयो वञे ऐं हीउ क़तल आम जेको आहे उहो बंदि कयो वञे। सो असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो, वरी ईंदड़ प्रोग्राम में हाज़िर थींदासीं, तेसिताईं इजाज़त ॾींदा अलाह।